नमस्कार दोस्तों, हम राहुल राज, आप देख रहे हैं टेक्निकल बिहार चैनल। तो चलिए इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे फ्रेंड्स कि आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड किस तरह से डाउनलोड करेंगे, लैपटॉप या मोबाइल से किस तरह से डाउनलोड करेंगे, वो भी मात्र 2 मिनट में किस तरह से डाउनलोड करेंगे, पूरी जानकारी मैं आप लोग को इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, कहीं भी स्किप मत कीजिए। मैं आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और लेते अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और बता देते हैं किस तरह से आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन कर चुका हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल का ऑफिशियल वेबसाइट खोल लिया हूँ। अब आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना, ईपिक डाउनलोड पे क्लिक करना। ओके, तो चलिए मैं इस पर सिंपली से क्लिक कर देता हूँ, आपको भी इस पर क्लिक करना। तो चलिए मैं इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स इस तरह से इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ ईपिक कार्ड। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स ईपिक नंबर डाल दिया, यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद सर्च पे क्लिक करना। तो चलिए मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ। सर्च पे क्लिक करने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स आपके सामने ईपिक नंबर और आपका नाम और यहाँ पे रिलेटिव नाम देख सकते हैं फ्रेंड्स, पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट असेंबली यानी कि विधानसभा आपका, उसके बाद मोबाइल नंबर रजिस्टर जो मोबाइल नंबर वो, और उसके बाद ईमेल आईडी रजिस्टर, उसके बाद नीचे देखेंगे प्लीज ऑथेंटिकेस यूज ऑथेंटिकेशन ओटीपी वेरिफिकेशन, तो आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना। उससे पहले नीचे देखें रजिस्टर मोबाइल नंबर जो 4 अंक का है इसी पे ओटीपी जाएगा। तो चलिए मैं सेंड ओटीपी पे क्लिक करता हूं। सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे आपके रजिस्टर मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा, यहां पे ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे ओटीपी डाल लेना। ओके, तो चलिए मैं यहां पे ओटीपी पहले यहां पे डाल लेता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मैं यहां पे ओटीपी फिलअप कर लेता हूं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स मैं ओटीपी डाल दिया। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पे क्लिक करना, जैसे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे ओटीपी वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली, उसके बाद इस कैप्चर को यहाँ पे डाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे कैप्चर डाल लेता हूँ। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे नीचे में इस साइड राइट साइड में यहाँ पे डाउनलोड ईपिक नंबर लिखा हुआ है, तो डाउनलोड ईपिक पे जैसे क्लिक करेंगे आपके कंप्यूटर या फोन में आपका जो है वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं फ्रेंड्स डाउनलोड हो चुका है। अब इसे मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद देखेंगे फ्रेंड्स आपका वोटर आईडी कार्ड इस तरह से यहाँ पे बन के आ चुका है। देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग अपना वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करिए ताकि जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुँच रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।